और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई से लेकर पीओके तक कई मुद्दों पर बातचीत की है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और उस पर हमारा अधिकार है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा। यूसीसी हम लाएंगे, हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है, एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई और आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर वो बोले। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हुए सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को जनता जब अपना फैसला सुनाएगी तब राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाएंगे और मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को चुनाव से पहले बताना चाहिए था कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 4 तारीख को देश की जनता फैसला सुना देगी, इसके बाद विवाद ही समाप्त हो जाएगा। वो छुट्टी पे चले जाएंगे, मोदी जी शपथ लेंगे और सरकार चलने लगी। देखिए, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से। वो भी वो कर सकते हैं, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती। वायनाड का चुनाव तय होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूं वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 24 से 30 सीट जीत रही है। यही नहीं, उन्होंने यूसीसी को अहम मुद्दा बताते हुए इसे लाने का भी दावा किया। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। यूसीसी हम लाएंगे, हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने।
गृह मंत्री अमित शाह ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का भी मुद्दा उठाते हुए इंडिया गठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से इंडिया गठबंधन ने ऐसा किया। मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया, पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपको आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है। इस इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे और वो 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी बीजेपी का नेतृत्व करते रहेंगे। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे अमेठी के अखाड़े की। अमेठी में एक बार फिर प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हैं। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि अमेठी के विकास को रोका जा रहा है, तो स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए पूरी कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक ही व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव गांव घर घर गई, इस बात को कोई छुपला नहीं। कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता, ये गांधी परिवार का क्षेत्र है और राहुल गांधी जो यहाँ के सांसद है उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी स्मृति ईरानी की ललकार। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। कभी प्रियंका गांधी की हुंकार कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता। अमेठी के रण में स्मृति वर्सेस प्रियंका की जंग। देश की हॉट सीट में से एक अमेठी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को अमेठी में प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी तकरार देखने को मिली। कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता। तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव गांव घर घर गई, इस बात को कोई छुपला नहीं सकता। दरअसल प्रियंका अमेठी में एक सभा को संबोधित कर रही थी, इसी दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन पर झूठ बोलने और अमेठी का विकास न करने का भी आरोप लगाया। यहाँ एक भाजपा की प्रत्याशी आई जो आज आपकी सांसद है, उनका एक ही मकसद था, सेवा मकसद नहीं था, आपके प्रति कोई आदर का रिश्ता नहीं था, आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। वो यहाँ इसलिए आई कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता, ये गांधी परिवार का क्षेत्र है और राहुल गांधी जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये दिखाने के लिए और देश को दर्शाने के लिए वो यहाँ आई और उन्होंने काफी झूठ फैलाए। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था, राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे ऐसी ताकत किसी में नहीं। मैंने कहा भाई अशोक तो सलोन में है, मैं गौरीगंज में हूँ, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे, ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले हैं।
इस जुबानी जंग की गवाह अमेठी की जनता बनी, जहां प्रियंका गांधी अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रचार कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। ये पहली दफा नहीं है जब अमेठी के अखाड़े में स्मृति वर्सेस प्रियंका गांधी की जंग देखने को मिल रही है। इससे पहले स्मृति ईरानी राहुल प्रियंका गांधी को डिबेट की खुली चुनौती देकर ललकार चुकी हैं। तब भी प्रियंका गांधी की तरफ से जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई थी। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए, दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है, अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं, हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।